हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेंस मी एंड कैमरा। आज हम बात करने वाले हैं शटर स्पीड के बारे में। तो शटर स्पीड बेसिकली है क्या और इसका हमारी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज हम एक्सप्लेन में बात करेंगे। मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, शटर स्पीड कैमरे के अंदर कितनी टाइम पीरियड के लिए लाइट जाएगी उसे कंट्रोल करती है। शटर स्पीड है क्या? बेसिकली कैमरे के अंदर एक शटर होता है जो कि ओपन एंड क्लोज होता है। इस ओपन एंड क्लोज होने की स्पीड को हम शटर स्पीड बोलते हैं और यही लाइट को अंदर एंटर करने से कंट्रोल करती है। शटर स्पीड को दो टर्म में डिफाइन किया जाता है, स्लो शटर स्पीड एंड फास्ट शटर स्पीड। शटर स्पीड को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में एंड फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। सेकंड्स में लाइक 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, देन 1/100, 1/160, 1/200, 1/500, 1/4000 एंड आजकल के DSLR में ये नियर अबाउट 1/8000 तक आ रहे हैं। शटर स्पीड का एक बेसिक रूल है कि अगर हम एक शार्प पिक्चर क्लिक करनी है, एक अच्छी पिक्चर क्लिक करनी है, तो हमारा जो शटर स्पीड है वो मोर देन 100 होना चाहिए। क्या होता है ना, जब हम हैंड हेडेड किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो हमारा हाथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अमाउंट में भी शेक जरूर करता है। अगर हमारा शटर स्पीड 1/100 होगा तो ये पिक्चर ब्लर नहीं आएगी, क्लियर आएगी। अगर इसे हम 100 से लेस देन रखते हैं तो पिक्चर में थोड़ा शेक आएगा, वो ब्लर हो सकती है। तो इसलिए हम जो एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड लेके चलते हैं उसे हम 1/100 में काउंट करते हैं। शटर स्पीड को हम दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, स्लो शटर स्पीड एंड फास्ट शटर स्पीड। स्लो शटर स्पीड क्या है? स्लो शटर स्पीड हमें एक डार्क प्लेस पर भी एक अच्छी इमेज क्लिक करने में हेल्प करती है, प्लस ये हमारी इमेज में एक मोशन लाने में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। समझ लीजिए, आप एक ऐसी जगह पे पिक्चर क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे कि एक्सटर्नल लाइट बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है और आपको एक अच्छी इमेज क्लिक करनी है, तब आप क्या करेंगे, आप अपनी शटर स्पीड को लेस देन 100 रखेंगे ताकि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो काफ़ी टाइम पीरियड के लिए आपके कैमरे के अंदर एंटर कर सके, जिससे कि आपको एक अच्छी इमेज मिले। दूसरा एग्जाम्पल स्लो शटर स्पीड का ये है कि अगर आप एक मूविंग कार की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और आपको उसमें मोशन डालना है, तब भी आपकी जो शटर स्पीड है वो लेस देन 100 होगी। जब आप वो लेस देन 100 पे रख के अपनी शटर स्पीड को पिक्चर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस पिक्चर के अंदर एक मोशन आ जाएगी जिससे कि वो कार मूव करती हुई आपको लगेगी। स्लो शटर स्पीड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी। आपने कई स्टार ट्रेल्स की पिक्चर्स देखी होंगी जिनमें उनकी मूवमेंट प्रॉपर नज़र आती है। तो वो मूवमेंट कैसे कैप्चर होती हैं? जब आप लेट नाइट स्टार की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो आपको अपना जो शटर है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ओपन रखना पड़ेगा ताकि वो पिक्चर प्रॉपर मूवमेंट जो स्टार की है वो बन सके। ये जो टाइम पीरियड है आपके शटर को ओपन रखने का, ये कई बार 1-1 घंटे का भी होता है, इससे भी लॉन्ग टाइम तक जाना पड़ता है और ये कई पिक्चर्स को मर्ज करके एक अच्छी पिक्चर बनती है। अब हम बात करते हैं फास्ट शटर स्पीड की। फास्ट शटर स्पीड हमें कहाँ हेल्पफुल होती है? मान लीजिए आप डे टाइम में शूट कर रहे हैं और आपके इमेज पे बहुत ही हार्ड लाइट आ रही है, आप उस लाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लाइट अपने कैमरे के अंदर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाएंगे लाइक 1/500, 1/1000 और आप इसे ऊपर भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आपको कितनी लाइट चाहिए और कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट चाहिए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो ये हमें मूवमेंट को फ्रिज करने में भी हेल्पफुल होती है। मान लीजिए आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को फ्रिज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं बोलूँ तो अगर आप एक मूविंग कार की इमेज क्लिक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कार प्रॉपर क्लियर आए, तो आप अपनी शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे बाय 1/1000, 1/4000, डिपेंड कि आपकी एक्सटर्नल लाइट भी वहाँ पर क्या आपको मिल रही है। और इस तरह जब आप हाई शटर स्पीड पे अपनी एक मूविंग कार की इमेज क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर क्लियर आपको नजर आएगी। फास्ट शटर स्पीड के जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्पोर्ट फोटोग्राफी, बर्ड फोटोग्राफी। आपने कई बार देखा होगा कि उड़ते हुए पंछी की इमेज प्रॉपर क्लियर नज़र आती है आपको, वो ऐसा लगता है कि हवा में फ्रिज है, तो ये सिर्फ फास्ट शटर स्पीड के जरिए ही क्लिक होती हैं। लाइक आप जब किसी बर्ड की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं और वो उड़ रही हो तो आप अपनी शटर स्पीड को काफ़ी हाई लेके जाएंगे लाइक 1/2000, 1/4000, जहाँ पे इस शटर स्पीड पे जाके आपको वो पिक्चर प्रॉपर क्लियर मिलेगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको शटर स्पीड के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने कमेंट के जरिए वो चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहे, हम मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम ISO को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।